सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग्स। और आज हम आ चुके हैं कानपुर के जू में, जो जूलॉजिकल पार्क है। तो अभी हम लोग यहाँ के मेन एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से एंट्री लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। कमल सामने आओ, कमल नाम बता दे। ठीक है, ए फिर से फिर से फिर से फिर से फिर से झूलो 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 जल्दी आओ, इधर रुको। ये नो नो नो, चलो चलो ये दोनों हाथ छोड़ के ओके। बेटा कौन सा लगाना है? अच्छा लगा दो बाबूजी, मेरे फोटो आने अच्छा। अबे सो गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर बंदर के पास। और आप देख सकते हैं मेरे सामने वो एक, ये देखिए बड़ा वाला बंदर है। और ये काले मुंह वाला नहीं, शायद लाल मुंह वाला है। तो देखिए जैसे कि अभी बैठा, अरे ये काले मुंह वाला आ गया, बिल्कुल हमारे कमल की तरह नाच रहा है यहाँ पर। और काली पूंछ है, काली पूंछ है, काला शरीर है उसका। अब चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। और यहाँ पर भी शायद बंदर ही है, और बंदर मतलब है, बंदर ही नहीं है। तो ये देखिए एक पेड़ के ऊपर बैठा है, और एक और है वो नीचे उधर सामने से जा रहा है। वो देखिए वो भागा भागा, अरे बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। देखिए भागा, एक शायद ऊपर भी है, मैं अभी दिखाता हूँ अभी। तो अरे ये देखिए भागा भागा भागा। और अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर, एक अलग सा नाम बनाया गया था। और ये महाराज को देखिए हेलमेट लेके अंदर घूम रहे हैं। सो ये हमारे है राष्ट्र चिन्ह मोर है, राष्ट्र पक्षी, राष्ट्र पक्षी है मोर है। और जैसे कि देख सकते हैं ये कितना अच्छा छोटा बच्चा है, मेरे ख्याल से ये मोरनी है, मोरनी है, मेरे को पता है, चेक करना होगा। और इस संदेश का बहुत गर्मी लग रही है, ठंडी के मौसम में गर्मी लग रही है। और पानी देखिए कितना हरा हरा है यहाँ पर, तो रंग मिला दिया। हाँ लग रहा कोई होली खेल गया है या पक्षियों की। और ये क्या हवासील, इसका नाम होता है हवासील, हवासील। अबे मुंह से लड़ रहे हैं, हवासील नाम है इनका। क्या हवासील? हवासील, हवासील। और ये देखिए कितने बड़े बड़े थोड़े हैं जीव हैं। और ये देखिए इनका पूरा झुंड बना हुआ हवासीलों का, जो है ये जीव नहीं है, जीव है ये भी। और ये देखिए जैसे जेलों में होती है जंजीरें, वैसी जंजीरें हैं। और अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने दरियाई घोड़ा के पास। तो ये देखिए दरियाई घोड़ा, वही तो पास कर, देखिए दो कितने बड़े हैं ये दरियाई घोड़ा। तो नजदीक से जा सकते हो ना, एक मेरे साथ चल रहा है, एक सामने है, सामने दरियाई घोड़ा। केवल हम ही लोग हैं, ये देखिए दरियाई घोड़ा। अब इसको तरबूज, तरबूज खा जाते हैं, तरबूज ले ले मेरा तरबूज। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो भी है हमारा सीन। तो ये हैं जहाँ पे टर्टल्स हैं, कछुए जिनको कहते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इनका वो पॉन्ड बनाया गया, और बहुत ही मतलब देख सकते हैं आप लोग काले कितने लग रहे हैं, बिल्कुल भूरा कछुआ, भूरा ब्राउन, ब्राउन टर्टल। और वो देखिए वो कछुआ चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्लिप हो रहा है, पता नहीं किस वजह से। या तो सुबह जैसा कि हम लोग का अभी ट्रेनें आज चलने जा रही है, और ये हमारा यहाँ पर है सांप घर, इसके अंदर हम लोग अभी जाने वाले हैं। अंदर आपको दिखाएंगे सांप यहाँ के। ये हमारे साथ ये बिच्छू, ये देखो ये हमारी ट्रेन जा चुकी है, ये नई ट्रेन लेकर आए हैं, नहीं पुरानी भूल गई, लेकिन हां नहीं है। और ये ट्रेन निकल गई, तो हम लोग चलते हैं अभी सांप घर के अंदर। तो चलिए देखा जाए, पता पहले इसमें टिकट लगती थी, अब बंद हो गई है। हां गाइस, जैसे कि हम लोग आ चुके हैं अंदर, और वो देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप लोग जहाँ है, और ये रहा यहाँ का, एक वहाँ पर है। चलिए आगे आगे चलते हैं हम लोग, ये देख सकते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए किस तरीके से मुँह को खोले हुए हैं, और ये उसकी केचुल है जो उनकी खाल होती है, स्किन होती है, ये खुद ही छोड़ देते हैं वो लोग, टाइम टाइम पे छोड़ती रहती है और नई स्किन आती रहती है।
आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, इसमें क्या है। और ये देखिए शायद मटके के अंदर इसमें सांप है, केवल उसका फेस दिख रहा है। और वहाँ पर देखिए एक दूसरा सांप लटका हुआ, एकदम लिपटा हुआ है पेड़ में। तो सारे अजगर हैं, अजगरों सांप की प्रजातियाँ हैं सारी सारी। और यहाँ तो दिख रही, ओ तेरी, सबसे बड़े तो सांप लग रहा है यहाँ है। पर कितने मोटे और कितने बड़े सांप, अजगर पर आप सांप हैं। अगर आप लोगों ने गल पे लटकाया तो कमेंट में बताइए किसने किसने लटकाया, क्योंकि मैं लटका चुका हूँ। मैं भी मैंने लटकाया था, कितना 12.5 हील लिखा है। हाँ वैसे अजगर तो विश्व नहीं होता, ये सिर्फ खाते हैं बस। ये देखिए दो मुआ सीन, ये भी होते हैं, इनमें भी जहर नहीं होता है, जो हम लोग गलियों में आके दिखाते हैं। हाँ, दो ये छह महीने एक तरफ से, छह महीने दूसरे तरफ से चलते हैं, दो मुंह होते हैं। और ये देखिए ये वही है, ये तो बहुत चालाक टाइप का लग रहा है। ये इनको मेरे गांव में धामिन सांप कहते हैं, बहुत ही तेज मारते हैं, पूंछ बहुत तेज लगती है इनकी, बहुत तेज भागते हैं ये सांप। आप ये देख सकते हैं, इसके शेप से देख सकते हैं कितना कर्ली शेप बनाया हुआ है, और सामने भी लटके हुए हैं। तो अभी हम लोग जैसे कि हम आपको दिखा चुके हैं यहाँ का इस ग्रह जो स्नेक हाउस है, और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आप लोग हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोग को कैसा लगता है ये कानपुर का ज़ू, और कैसा लगता है बताइएगा आप लोग। तो ये मेरे सामने जैसे कि दिख रहा है, ये बटरफ्लाई हाउस है, यहाँ की टिकट 30 रुपये है, और हम लोग इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो हम लोग अभी चलते हैं, हम लोग अभी जाने वाले हैं फिश हाउस में। हम लोग आ चुके हैं मछली घर में, फिश हाउस आ चुका है, अब हम लोग इसके अंदर एंटर करेंगे। ये मेरे साथ फ्रेंड है जो फोटो खिंचवा रहे हैं मेरे से, तो चलिए चलते हैं अंदर। तो जैसे कि देख सकते हैं ये कितनी छोटी छोटी मछलियां हैं, और ये तो ये टैंकर में रखने वाली हैं, जो अपने घर पे नहीं रखते हम लोग, एक्वेरियम में, एक्वेरियम में। और ये देख सकते हैं मतलब कितनी प्यारी लग रही है देखने में, बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल। वो सॉन्ग नहीं आया था कौन सा, भूल गए, याद नहीं आ रहा यार। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा छोटी है, आई थिंक सबसे ज़्यादा छोटी यही मछली है यहाँ पर जो, और ऐसी खाते भी हैं शायद, बट हम तो नहीं खाते। मैं भी इसमें तो देख ही नहीं रहे। और अरे ये देखिए एकदम, ये कितनी प्यारी लग रही है, और ये देखिए कुछ खा भी रही है अपने मुंह में, ध्यान से आप लोग देखिएगा। आप लोग चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट लेके वॉलपेपर लगा सकते हैं बहुत ही आराम से, और देखिए क्या अच्छा लग रहा है। अब ये देखिए हमारी नेक्स्ट फिश है, और यहाँ पर शायद व्हाइट सिल्वर कलर, सिल्वर और रेड कलर की है, देखिए पिंक कलर की भी है ये, देखो पिंक गर्ल्स की जो ये रेनबो, ये रेनबो है हर चीज़ यहाँ, रेनबो सब प्योरीफायर लगा के रखा है। मेरे फ्रेंड भी लुक्त उठा रहे हैं, और आई थिंक हम लोगों ने सबसे अच्छा ये चीज़ इसमें ये देखा था, क्योंकि यहाँ के जो मिरर्स हैं उसमें हम लोग देख सकते हैं, तो ऐसा फील होता है जैसे कि हम लोग वीआर में देख रहे हैं। हाँ, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, और नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखिए कितनी छोटी छोटी मछलियाँ हैं, रेड और येलो कलर की, और ये देखिए इनको शार्क कहते हैं, ये शार्क मछलियाँ, जो छोटी शार्क होती है ये वैसी ही मछलियाँ होती हैं। कैसे इनका मुंह है, चपटा सा है, फिर पतली है, कड़ी है एकदम, पता नहीं कैसा। इनकी मम्मी ने भी मुंह में बेलन मार दिया, वो मुंह चपटा हो गया। हाँ सही कहा, बचपन में सबकी मार पड़ी है सबको। और ये देखिए ये ब्लैक शार्क है, और बहुत तेज चलती है, बहुत खतरनाक है। हम लोग आपको दिखा चुके हैं, और यहाँ का जो फिश घर है, फिश हाउस है, वो हम लोगों ने दिखा दिया आपको। अभी आगे हम लोग आज जाने वाले हैं इस, तो बने रहिए हमारे वीडियो साथ। अगर आपको अच्छी लगी हुई फिश वाला, हमने आपको टोटल विजुअलाइज कराया कि रियल में कैसे लगता है, बताइए अच्छा विजुअलाइज हुआ आपको कि नहीं। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। तो आप ही बने रहिए, आपके साथ भी आने वाले। अंदर चक्की चल रही है क्या? तो अभी हम लोग ये रहा उल्लू, बीच में भी है। अरे उठा उठा उठा, इधर लाइट दिखाओ, एक मार, चार का
इनके कांटे बहुत वैसे होते हैं, बड़े तीखे होते हैं, बहुत लग जाते हैं। इसको केलर निकल गया है। कहाँ जानवर है? मैं ढूंढने पड़े। क्यों बात करें बड़ी देर में? तो अभी ये देखिए आप लोग हैं, और ये जो जानवर दिखा है आप लोगों को, आप लोग समझेंगे ये हिरन है, लेकिन ये हिरन नहीं है, इसका असली नाम है सांभर। इडली सांभर वाला सांभर। देख रहे पानी कितना गंदा करके रखा है, पूरा झुंड बनाया पड़े हैं। मतलब 10 रुपए के 4-4 सांभर मिलते हैं, वैसे सांभर लगे हुए हैं यहाँ पर। सभी का नाम सांभर। अभी आपको अभी आपको मैं बोर्ड पर दिखाऊंगा। कितना कीचड़ कीचड़ लगा हुआ है इनके शरीर, गंदा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सांभर, इनका कहाँ जन्मे है, कैसे नाम पड़ा सांभर, और इनकी इडली कहाँ गई ये भी बताया इसमें सब जन्म को मिली है। अरे यार, और ये आ चुका हम लोग अच्छी मजबूत नहीं बिल्कुल तबीयत खाने नहीं देते हैं। नहीं यार, नहीं सही बात है। देख रुक खड़ा कैसे झूल गई है खड़ा कैसे, साल फेविकोल से चिपकाई गई है, खाना नहीं मिलता इसीलिए बेचारे इधर सूख गए। हां नहीं सही बात है, यहां हमें लगता है कानपुर वाले आरामी है। क्यों सर जी, लोग हम लोग पैसा ज्यादा लेते थे, अब गुस्सा आ रही सर। डरे 200-250-300 लग जाते थे आने के, और क्या 300 रुपए। अब समझ में आया, हम 70 रुपए में घूम रहे। अरे ले पंजे में हम लोग उसमें होती है। कहाँ जी रहे थे हम लोग, हम कहते अभी इधर चलो, ये आखिरी में लगा है ताकि सोचे पैसा वसूल हो गया। हाँ लास्ट में बात तो सही है। अब ये बताओ घर खाने को झाड़ियाँ भी नहीं थी, थोड़ा इलाज दिया था उनसे मुँह बाहर था ये लगा नहीं इनका। तो ये देखिए काला काला भालू, और अभी हम लोग जब आए थे तब शायद ये सो रहा था, और अभी हम लोग को वापस जाते टाइम इसने कम से कम अपनी शक्ल दिखा दी है। तो आप देखो सो रहा था, अभी कुछ खा रहा है, कुछ ढूंढना है, सर्चिंग सर्चिंग सर्चिंग। और ये मेरा देखो ये ऊपर भालू लटक गया, ये बगीरा वाला जंगल बुक वाला बगीरा है, लेकिन बगीरा। और ये देखिए मस्ती हम लोग चालू हो गई वापस जाते टाइम। तो देखिए अभी झूला झूल रहे हम लोग, और अभी मेरे फ्रेंड आएंगे झूला झूलने। डर लग रहा है टूट ना जाए, झूला झूलते नहीं इसे तोड़ना कहते हैं। और गलती से मेरा पैर इसमें फ़ोन में लग गया था, मैं सोच रहा था पैर लगाने के लिए सोच रहा था, और सच में लग भी गया मेरा फ़ोन, बच गया मेरा फ़ोन गिरने से। अरे हम तो सोचे अच्छा हुआ, वरना मेरा आईफोन टूट गया था, आईफोन 13 प्रो मैंने लिया था अभी 2 महीने। अरे ये देखिए बच गया मेरा फ़ोन, बच गया, इन्हीं ने मेरा फ़ोन पकड़ा था सीधे साधे थे इसलिए फोन। पर आप और आप देख सकते हैं, ये देखिए जिसमें जा रहा हूँ, जल्दी चढ़ा हमें भी चढ़ना है, वो जा रहे हैं सामने आइए वहाँ। एक वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे गिरते हुए, चलो आते गए ना, चलो चल बचा।